की शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी। मेरी भी। अरे जी, जब मैंने वो गोली की आवाज सुनी मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि आपको कुछ मुझे क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ, तो बस कोई शिकारी था और एनीवे मानवी कैसी है, ठीक है ना तुम्हारे बगैर ऋषिकेश में? मानवी बहुत जिम्मेदार हो गई है, आपको पता है, एक एक करके मेरे सारे काम संभाल रही है। चाय बनाने से खाना बनाने था। ये तो अच्छी बात है, चलो एक बार तुम यहाँ सेटल हो जाओ, फिर हम मानवी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लेंगे। दी ये पहला बर्थडे जिसमें हम साथ नहीं है, नहीं तो आपके सारे बर्थडे हमने साथ में मनाए। और पता है, आपके हर बर्थडे पे हमने जैसे जैसे सेलिब्रेट किया उसकी सारी तस्वीर सारी वीडियो मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं आपको रात को उठा के केक खिलाती थी और आपके सारे मुंह पे लगा देती थी। कल बहुत याद आओगी दिया, मतलब आज सुबह अभी भी आ रही हो। अरे क्या हुआ? कौन है? जीविका, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? इतने फोन तो हमें प्रेस वाले मीडिया वाले भी नहीं करते हम सुपरस्टार्स को। क्या प्रॉब्लम है? सुन, मेरी भाभी की बहन, तुम्हारी दीदी और तुम्हारी जीजू सही सलामत घर पहुंच चुकी। हाँ पता है। तो मुझे फोन करके अपना बैलेंस क्यों खत्म कर रही हो, मुझे पकाने के लिए? नहीं, पूछने के लिए। क्या? यही कि मेरी दीदी का बर्थडे तुम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? उत्तरी, आज भाभी का बर्थडे, थैंक गॉड तूने बता दिया यार। दे बुढ़िया, कभी कभी तो अच्छे काम भी करती है। अब चल फोन रख, मैं भाभी को शेयर करता हूँ। ठीक है, चल बाय। शर्म से डूब मरो, छत पे जाओ, चुल्लू भर पानी में डाइव मार दो या सीधे कूद जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी नई नई भाभी का बर्थडे भूल गए? तुम्हें बात बोलो, तुम देवर बनने के लायक नहीं हो। भगवान ने ना मेरी दी को सब कुछ अच्छा दिया, एक अच्छा पति, एक अच्छी फैमिली। भगवान बस एक अच्छा देवर भी दे देते। मुझे पका मत। और फोन रख, मेरे को भाभी को विश करना है, ठीक है? ओके भाभी। किसी को भी मेरी दीदी का बर्थडे याद नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वीजी, वीजी आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही हो। आज जीविका का जन्मदिन है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही। वीजी, जीविका दी की याद तो मुझे भी बहुत आ रही, उनका पहला जन्मदिन है ना हमारे बगैर। जी याद सिर्फ आप ही कोई नहीं, हम सबको जीविका की बहुत याद आ रही है। याद है पिछले जन्मदिन पे उसने अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदा, बल्कि मेरे लिए एक सूट खरीद के ले आई। वो भी इसलिए क्योंकि उसने मुझे कहते हुए सुना था कि उसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद था। वंडरफुल विराट, तुमने घर बहुत अच्छा सजाया। थैंक यू सो मच बुआ, आपको अच्छा लगा? सुबह से शाम होने को आई, इतनी देर तक कहाँ है वीरेन जी? मुझे रात से ही कुछ गड़बड़ लग रही है। कल रात जरूर कुछ हुआ था जो मुझे कोई नहीं बता रहा, और सुबह से वीरेन जी का अचानक गायब हो जाना, ऊपर से विराट के चेहरे की चिंता। इतनी
इतनी देर तक वीरेन जी का मोबाइल कैसे बंद रह सकता है? मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे। जीविका, मेहमानों के आने का समय हो गया, जाओ जाकर जल्दी तैयार हो जाओ, कम ऑन। लेकिन बुआ जी, वीरेन जी का अभी तक कोई पता नहीं।